नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, देश भर में सोशल मीडिया का क्रेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर लड़का और लड़की अपनी अपनी मस्ती में खोए रहते हैं, कोई किसी से बात तक नहीं करता। कारण, जो भी ये कर रहा है सब सोशल मीडिया के माध्यम से ही कर रहा है। अब इस स्थिति में लड़का हो या फिर लड़की हो, सभी सोशल मीडिया पर ज्यादा ऑनलाइन रहने लगते हैं। फेसबुक या भूत तो कुछ इस तरह से चढ़ा हुआ है कि कई शरारती युवक फेसबुक में लड़कियों को ही सर्च करते रहते हैं, जबकि आप फेसबुक पर किसी लड़की से डायरेक्ट फ्लर्ट भी कर सकते हो या फिर किसी अनजान लड़की का दिल भी जीत सकते हो। पर देखा जाए तो ज्यादातर लड़के फेसबुक पर अननोन लड़की को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाते, और किसी भी लड़की से बात करने से पहले थोड़ी तैयारी तो जरूर करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी अनजान लड़की को फेसबुक के ऊपर पटा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी लड़की, अननोन लड़की खासकर, आपको रिप्लाई करने से पहले आपकी प्रोफाइल फोटो एक बार जरूर देखती है, और फिर वो जाकर डिसाइड करती है कि आपसे बात करनी है या नहीं करनी है। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि प्रोफाइल पिक्चर या फिर कवर फोटो लगाना क्यों जरूरी है। अगर आपने थकेली फोटो डाल दी या फिर कोई अच्छी फोटो नहीं डाली है तो उसे तुरंत चेंज कर दीजिए, और कोई अच्छी सी फोटो जिसमें आप हीरो टाइप लग रहे हो या फिर बहुत ही अच्छी फोटो आप वहाँ पे या फिर धांसू फोटो वहाँ पे डाल सकते हो। हो सके तो कवर फोटो भी आप चेंज कर दें। अगर आपके पास अच्छी फोटो नहीं है तो आप किसी कैमरा से या फिर अच्छे मोबाइल से फोटो खींच कर वहाँ पे लगा सकते हैं। अब आपको ये तो हो गई प्रोफाइल पिक्चर की बात, लेकिन अब और भी कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल को क्लीन और अट्रैक्टिव रखना है, क्योंकि जब लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जरूर चेक करती है, इसीलिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अच्छे रखने के लिए कुछ टिप्स हैं। दोस्तों, दूसरी चीज, आपकी प्रोफाइल पर आप क्या शेयर करते हैं, क्या लाइक करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इन सब चीजों को देखकर लड़की इंप्रेस हो जाती है, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिए। कोई भी चीज फेसबुक के ऊपर शेयर करते वक्त, लाइक करते वक्त आप जरूर एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कीजिए। अगली चीज, प्रोफाइल पिक ऐसा बनाइए जिसमें आप खूबसूरत नजर आते हो, यानी कि पिक का कैप्शन शानदार होना चाहिए। कूल और लिमिटेड और स्टाइलिश पिक आपको प्रोफाइल पिक्चर के लिए सेट कर लेनी चाहिए। अगली चीज, गंदे फोटोज या फिर एक्सेट्रा या फिर और कोई बेकार चीजें आपको बिल्कुल डिलीट कर देनी चाहिए, और कभी भी ऐसी तरह से पोस्ट नहीं करना चाहिए जिससे लड़की शेमलेस फील करे। अब अगली टिप, सम कवर पिक्स यानी कुछ कवर पिक्स जो होती है वो आपको स्मार्ट दिखाती है, तो ऐसी ही आपको यूज करनी चाहिए। फिर अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टेटस या फिर हार्ट टचिंग शायरीज, इन लाइंस को आपको बीच बीच में पोस्ट करते रहना चाहिए, और कभी कभी आपको जोक भी पोस्ट करने चाहिए जिससे लड़की आपके बारे में थोड़ा सा मजाकिया हो सके। अब अगली टिप, फेसबुक पर ऐसी पिक और स्टेटस शेयर करें जो कि सच में मायने रखती हो। फालतू की वेस्टेज मटेरियल को शेयर करना सबसे पहले बंद कर दें, और याद रखें ज्यादा शेयरिंग और पोस्टिंग भी कभी नहीं करना। दिन में एक आध या फिर दो पोस्ट ही आप शेयर करने चाहिए जिससे लड़की को लगे कि ये बंदा जेन्युइन है, ये कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है। अब अगली टिप, दोस्तों के फोटोज या फिर किसी के भी फोटोज पे मीनिंगफुल कमेंट आपको करने चाहिए, फिर चाहे वो कमेंट फनी क्यों ना हो, ये तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि इम्प्रेसिव कमेंट करने में आप अगर कामयाब हो गए तो लड़की आपके लिए लिमिट भी क्रॉस कर देती है, तो ये आपको चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। अब अगली टिप, बड़े एटीट्यूड और स्टाइल मारने वाली पिक्स को प्रोफाइल पिक्चर आप बना दें, तो आप ये जरूर याद रखें कि एटीट्यूड दिखाने वाली लड़के जो है होते हैं वो लड़कियों को पसंद नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से आपको ज्यादा एटीट्यूड रखने वाला फोटो जो है ना वो आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए।
तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाले लड़कों को लड़कियां नहीं पसंद करती है, इसलिए फेसबुक पर आपको लिमिट में ही लेकिन जेंटलमैन की तरह स्टेटस, कमेंट और खुद को क्लीन बना के रखना होगा। तो इसी तरह से ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ टिप्स थे जिनको फॉलो करके आप अच्छी तरह से लड़की को पटाने की कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादातर लड़की आपको भाव देगी। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।